नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सिकंदरा तहसील प्रशासन SDM की मिली भगत से परंपरागत होलिका दहन की भूमि को दबंग भूमाफियाओं ने किया कब्जा। दबंग भूमाफियाओं ने सिकंदरा SDM की मिली भगत से होलिका दहन स्थल ग्राम सभा की भूमि वर्तमान सेना के जवान की भूमि पर किया अवैध कब्जा। जी हाँ, आपको बता दें, सैकड़ों वर्षों से बने पक्के चबूतरे में परंपरागत होलिका का किया जा रहा था दहन। होलिका स्थल पर दबंगों के अवैध निर्माण से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल। हिंदू बहुल क्षेत्र में आगामी होली के त्योहार के चलते होलिका दहन की भूमि पर कब्जा हो जाने स्थानीय लोगों में बढ़ा अशांति का खतरा। सिकंदरा तहसील प्रशासन SDM की मिली भगत से परंपरागत होलिका दहन की भूमि को दबंग भूमाफियाओं ने किया कब्जा। दबंग भूमाफिया ने सिकंदरा SDM की मिली भगत से होलिका दहन स्थल ग्राम सभा की भूमि वर्तमान सेना के जवान की भूमि पर किया अवैध कब्जा। जी आपको बता दें, सैकड़ों वर्षों से बने पक्के चबूतरे में परंपरागत होलिका का किया जा रहा था दहन। होलिका स्थान पर दबंगों के अवैध निर्माण से स्थानीय लोगों में आक्रोश का माहौल। हिंदू बहुल क्षेत्र में आगामी होली के त्योहार के चलते होलिका दहन की भूमि पर कब्जा हो जाने से स्थानीय लोगों में बढ़ा अशांति का खतरा। ग्राम प्रधान द्वारा लगातार जिलाधिकारी से शिकायत करने के बावजूद भी दबंग भूमाफियाओं पर अब तक नहीं हुई कोई कार्यवाही। दबंग भूमाफिया रात के अंधेरे में धड़ल्ले से जनरेटर मशीन दो दर्जन लेबर मिस्त्री लगाकर देश के जवान की भूमि होलिका दहन ग्राम समाज की जमीन पर कर रहे हैं अवैध निर्माण। स्थानीय ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को सीधी चेतावनी के दिए संकेत। होलिका भूमि से कब्जा न हटाए जाने पर माती मुख्यालय का घेराव कर सिकंदरा तहसील परिसर में होलिका का करेंगे दहन। सूबे के मुखिया आदित्य योगी नाथ अपने प्रदेश की जनता को बताएं, कहां गया आपकी एंटी भूमाफिया कानून। कानपुर देहात के तहसील सिकंदरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत राजधान NH2 हाईवे के पास का मामला। सर, आज आपके गाँव में लगातार होलिका दहन पर कब्जा किया जा रहा है, आपके द्वारा कई सारी शिकायतें भी की गयी, परंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या है पूरा मामला? क्योंकि प्रधान को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रधान एक मूली गाजर के समान है अधिकारियों के सामने, इसलिए उनके प्रार्थना पत्रों को SDM बिल्कुल मामूली हिसाब से डील करते हैं और अपने सुख सुविधा का ध्यान रखकर। क्या लगता है होली का जो मामला है, होली जैसे यहाँ पर दसवीं मामले हैं, हमने प्रार्थना पत्र भी दिए और उसमें जो है कोई भी जांच नहीं हुई और निर्माण बन के खड़े हो गए। हमारे प्रार्थना पत्र में मैंने ये भी लिखा कि आप लोगों की उदासीनता से शनिवार या रविवार छुट्टी में निर्माण हो गए और होने के बाद में फिर इसके बाद जब बाद में उनसे कहें तो भाई ये हम गिरवा ही नहीं सकते हैं, ये तो सिविल कोर्ट का मामला है। अब इसके बाद में प्रधान सिविल कोर्ट में दौड़ता रहे जीवन भर, सिविल कोर्ट से कोई मामले हल होते नहीं है। जबकि सरकार के ये निर्देश है कि कहीं भी ग्राम समाज के या किसी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण ना होने पाए। यहाँ पर कई मामलों में सुरक्षित भूमि पर अतिक्रमण हो गई है। क्या लगता है कि उन लोगों के संरक्षण में इन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है? केवल SDM के संरक्षण में ये सारा का सारा जो है ये किया जा रहा है और वही जैसा जिसको भी डील करते हैं वही सब उच्च अधिकारी भी मानते हैं। जैसे कि हम आपको उदाहरण बता दें, हमारा गांव राजधान 10,000 की आबादी वाला गांव है और इसमें चकबंदी में एक बिसवा भी मरघट नाम से दर्ज नहीं है, और जबकि इसी गांव में 5 कब्रिस्तान दर्ज हैं और एक बिसवा मरघट नाम से दर्ज नहीं है। हमने जो है हमेशा कोशिश की कि जो है हमारी जो है ये मरघट दर्ज हो जाए, तो मरघट दर्ज नहीं हुए, आज तक नहीं हुए। इसी हिसाब से हमारी होली भी किसी उसमें दर्ज नहीं है, परंपरा के हिसाब से चलती है। अब उच्च अधिकारी कहते कि नहीं, मैं दर्द छोड़ के और किसी भी बात को नहीं मानता हूँ, तो दर्द तो नहीं है। आपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की, क्या आश्वासन मिला? हमको आश्वासन कुछ नहीं मिला, एप्लीकेशन दे दी, लेकिन जब उसका रिजल्ट 0 है, यहाँ पर निर्माण का रात और दिन 50 लेबर लगा के यहाँ पर हो रहा है, तो हमको कोई उसका वो नहीं मिला।
नाला भी हमारा जाम है, तो अब उसमें जो है इस समय बरसात तो है नहीं जो अपनी बात को हम सिद्ध कर सके। अरे हमको तो पूरे जो है 30 वर्ष से पानी का अनुभव है, कहाँ से कैसा पानी का ढलान आता है। अधिकारियों को हमारी बात सुनना चाहिए, अपने कमरे के लिए अपनी दुकान के लिए अगर हम उनसे कुछ फरमाइश मांग रहे हो तब तो कोई बात है, निस्वार्थ भाव में जो है प्रधान लगा रहता है और उसको जो है कोई बगीचा भी नहीं। और बनने के बाद आज वो लेंटर पे पहुंच रहा, कल लेंटर उसमें पड़ सकता है। यदि आपका प्लाट खाली नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? अरे हम कुछ भी कर सकते हैं, हम अपनी जान दे सकते हैं, आत्मदाह कर सकते हैं। जो मूसा नगर में हुआ वही मैं कर सकता हूँ। मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटा मेरा फौज में सीमा पे तैनात है। आज श्री आरसी यादव मतलब रमेश चंद्र यादव मेरी नहीं सुन रहे हैं, तो ये आप समझिए कि उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और जब प्रशासन नहीं सुनेगा तो फिर हम किसके पास जाएंगे?